हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर प्लस। टुडे वी विल टॉक अबाउट सेंटेंस अरेंजमेंट। आज हम बात करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट की, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट क्या चीज़ होती है, पहले आप ये समझिएगा ये कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे आते हैं। कंपटीशन में, एग्जाम में क्या होता है, आप देखते हैं हमें क्वेश्चंस मिलते हैं कुछ, जैसे पी क्यू आर एस, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं अरेंजमेंट कहते हैं। पी नंबर पे कुछ दिया है आपको, क्यू नंबर पे कुछ, आर पे और ये एस पे, ठीक है। ये चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, और आपको जो ऑप्शन दिए होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, आपको ऑप्शन जो रहते हैं, सपोज मान के चलिए आपको जैसे कि इसमें ए वी सी और डी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। तो इसमें क्या रहता है, आपको दे रखा होता है जैसे पी क्यू आर एस, ठीक है। इसमें क्यू पी आर एस, मान के चलिए इसमें दे रखा आपको आर एस पी क्यू, ठीक है, और इसमें दे रखा आपको एस आर पी क्यू, ठीक है। तो ये आपको क्या रहता है, ये आपको लाइनें दे रखी होती हैं, ये उलट पुलट के दे रखी होती हैं, ठीक है, ये उलट पुलट के दे रखी होती हैं। तो इसमें क्या रहता है, हमें इसे सीधे क्रम में लगा के और एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है इसमें से। तो ये हम कैसे लगाएं, इसकी ट्रिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इस हम लॉजिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे, इसकी कोई ट्रिक जो होती है उसके माध्यम से समझेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आप जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि पहली ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है। पहली ट्रिक क्या रहती है, पहली ट्रिक मान के चलते हैं कि पहली ट्रिक में क्या आता है, नंबर एक जर्नल स्टेटमेंट, ठीक है। पहली ट्रिक में आता है जर्नल स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट में क्या होता है, ये कहते कैसे हैं, इसको आप समझिएगा। जर्नल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, ठीक है, क्या होता है जर्नल स्टेटमेंट कहते हैं जो सब बात को स्वीकार करेंगे, कोई भी बात हो आप भी स्वीकार करो मैं भी। अब जैसे सपोज मान के चलिएगा, जैसे हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, तो ये वाली बात क्या जर्नल स्टेटमेंट में आती है। और जैसे पहाड़ी इलाकों में चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो ये वाली बात भी जर्नल स्टेटमेंट में आती है। ये वाली बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब जर्नल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको नाउन आ गया इसमें ये, ठीक है। इसमें और क्या होता है, मोस्ट, नाउन के साथ मोस्ट लिख दिया हमने। इसके बाद क्या चीज़ है इसकी, इसमें और क्या हो सकता है, ओवर है ना, और क्या हो सकता है इसमें, वंस, ठीक है। ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं। जैसे नाउन सब जानते हैं, संज्ञा कहते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, ये नाउन हो गया है ना। और इसके अंदर क्या, वंस भी। और अगर सपोज मान के चलिए अगर ये आपको कहीं पे नहीं दे रखा है, ये चीज़ इसके अंदर कहीं सटीक नहीं बैठ रही है, तो दूसरे नंबर पे हम मान लेते हैं क्या रहता है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है। अब यूनिवर्सल फैक्ट क्या रहता है, इसको आप समझिए। सपोज मान के चलिए अब आप समझ रहे होंगे कि ये यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। अब यूनिवर्सल फैक्ट को हम कहते हैं किसे, इसके बारे में, जैसे यह सच जो दुनिया में सब स्वीकार करें, सब एक्सेप्ट करें। जैसे कि आप मान के चलिए डायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, उसमें ट्रिक रहती है जैसे कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, सब जानते हैं ये वाली बात यूनिवर्सल फैक्ट में आती है। द सन इज बिगर देन द मून, सूरज जो है वो चंद्रमा से बड़ा है, सत्य बात, यूनिवर्सल फैक्ट है ये। इसके बाद टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, ये भी जो है यूनिवर्सल फैक्ट है। इसके बाद गोल्ड इज येलो एंड सिल्वर इज वाइट, है ना, सोना पीला होता है, चांदी वाइट होती है, सफ़ेद होती है, ये वाली बात भी यूनिवर्सल फैक्ट है। और द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है। तो ये चीज़ें क्या रहती हैं, ये चीज़ें जो आती हैं हमारी यूनिवर्सल फैक्ट में आती हैं। तो ये ट्रिक आपको कहाँ लगानी है, पी क्यू आर एस में लगानी है, ठीक है। अगर ये चीज़ भी अगर इसके अंदर सही तरीके से ना बैठे सही, तो एक सी नंबर पर और आता है लास्ट का है ये, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट, आई एन सी आई डी ई एन टी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इसको, अब ये चीज़ क्या रहती है ना, अब ये चीज़ क्या होती है, इसको आप समझिएगा। तो स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी घटना की शुरुआत होगी। अब जैसे कि मान के चलिएगा, अगर आप मान के चलो जैसे कि मैंने कुछ आपसे बात कही, जैसे जब मैं स्कूल गया है ना,
सपोज लिख के बताता हूँ आपको मैं, जैसे सपोज मैंने आपको कहा जब मैं स्कूल गया तो आपने सोचा तो आगे, तो हमने सोचा कुछ आगे सर बताने वाले हैं कुछ, है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये आप स्टार्टिंग ऑफ इंसिडेंट में आ गई। सपोज मान के चलिए मैंने कहा कि जब मैंने कॉपी चेक करना शुरू की, है ना, इसके बाद तो आपने सोचा, तब आपने सोचा कि कुछ बताने वाले हैं किसी स्टोरी के बारे से, किसी स्टोरी से रिलेटिव कुछ बात बताने वाले हैं। तो ये क्या है, तो ये तीनों चीज़ें ही इसमें फिट बैठती हैं, हैं। आगे देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है, हम एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं आपको। हाँ तो देखिएगा ये आपके सामने जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसके माध्यम से अच्छी तरीके समझ में आता है, ठीक है। पहले हम देखते क्या है, अरेंज द गिविंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर सो एज द प्रोवाइड क्वेश्चन। कहना मतलब क्या है, ये आपके जो क्वेश्चन दिए हैं इस तरीके से एग्जाम में आते हैं और इसके आपको आंसर छाटने पड़ते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से छाटते हैं, वही ट्रिक अपनाएंगे, वही लॉजिक, वही कंसेप्ट होगा जो मैंने अभी आपको समझाया था, जनरल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल फैक्ट और स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट, इसी ट्रिक से आपको बताते हैं। देखिएगा इसमें पहला दे रखा जाए फ्रेंडली टू ट्रू लवर्स फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर हेलेना द फेरियर किंग हु वाज ऑलवेज। अब ये शुरुआत कहाँ से करें, कह रहे का मतलब ये है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये आपको उलट पुलट के दे रखे हैं और आपको सही क्रम में लगाने हैं। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन जो है इसमें से एक आंसर चूज करना है। तो देखिए कैसे, सपोज मान के चलिए अगर हम इसकी हिंदी निकालते हैं फ्रेंडली टू ट्रू लवर, मतलब सच्चे प्रेमी के लिए अनुकूल, ठीक है। इसके बाद हेलेना एक वो है गर्ल्स है, हेलेना के लिए बहुत दया इसकी हो गई है। द फेरियर किंग कहते हैं राजा, जो परियों का राजा होता है, परी का राजा वो हो गया, और हु ऑलवेज। तो इस तरीके से मान के चलिएगा हम सबसे पहले इसको क्या रखते हैं, यहाँ पे हम जो है सबसे पहले जो है मतलब हम क्या लिखते हैं इसको ले लेते हैं, ठीक है, द फेरियर किंग्स है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द फेरियर किंग्स है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ गया, हुम इज जो वॉज ऑलवेज, मतलब जो सदैव जो है, जो हमेशा या सदैव, है ना, इसके बाद इसको लेंगे हम टू ट्रू लवर्स, मतलब सच्चे प्रेमियों के लिए ये अनुकूल है। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये तो इसको हम लगा देंगे। इस तरीके से हमारा कौन सा ट्रिक रह गई, ये वाली ट्रिक जो है आपके काम आ गई इसके अंदर। देखो पहले नंबर पर आर वाला था तो मैंने आर ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरे नंबर पर कौन सा एस वाला है तो मैंने एस वाला लगा लिया इसमें, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से हम इस पाएंगे, तीसरे पर पी वाला आ गया, इसके बाद हमारा क्या बचा क्यू वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है सारे के सारे जितने भी ये हैं ऐसे सॉल्व हो जाएंगे इसी ट्रिक के माध्यम से, है ना, इसी ट्रिक के माध्यम से। बहुत बहुत अच्छा फंडा है, ठीक है। अब समझेंगे दूसरा वाला, दूसरा कैसे है। सपोज मान के चलिए एनसी इसमें दे रखा है एक्सीडेंट्स आर स्टिल वांट टू हैपन, दुर्घटना अभी भी होने के लिए बाध्य है ना। इसके बाद ऑकेशनल मिस क्या होता है, कभी कभी, और थोमिस क्या होता है, हालांकि, और डिस्पाइट एवरीवंस बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गया, सबकी पूरी कोशिशों के बावजूद भी। तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले वही तो फंडा अपनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें अपनाने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें क्या है एक्सीडेंट जो होते हैं अभी भी होने के लिए बाध्य हैं, सही बात है। इसके बाद कभी कभी और हालांकि, इसके बाद क्या हो गया डिस्पिट एवरीवंस बेस्ट एफर्ट, मतलब सबकी पूरी कोशिशों के बावजूद। इसका मतलब कौन सा हो गया, ये आपका पहला वाला हो गया, ठीक है। पहला वाला जो है इसका हम अब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले नंबर पे इसको हम रख लेंगे, मान चले थ्रो, मतलब हालांकि, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, इसके बाद हमने लगा दिया एस, ये आगे सेकंड नंबर पे आपका ये, ठीक है, ये आपका आगे सेकंड नंबर पे, इसके बाद ये आ गया थर्ड नंबर पे, और ये हमारा आ गया फोर्थ नंबर पे, ठीक है। बस इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर की ट्रिक है व्हेन ए केमिकल सब्सटेंस द फूड पोजिशन ऑक्योर। तो इसके अंदर क्या चीज फंडा है, इसमें भी वही है, जब एक रासायनिक पदार्थ, इसकी हिंदी निकालेंगे जब एक रासायनिक पदार्थ और द फूड पोजिशन द ऑक्योर, मतलब भोजन को विषैला कर देता है, मतलब भोजन को जहर बना देता है, तो इन द फूड प्रिपरेशन, मतलब भोजन की तैयारी में, और वाज द मिस्टेक फॉर द साल्ट एंड यूज, ठीक है, मतलब नमक और इस्तेमाल के लिए गलती से, कहना मतलब अगर ज़्यादा नमक पड़ जाता है तो वो जहर बन जाता है कोई भी सब्जी वगैरह हो। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, तो फंडा इसमें ये तो लगा नहीं सकते हैं और ये भी नहीं लगा सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, सबसे पहला फंडा वही है कि जब हम नमक किसमें डालेंगे भोजन में, तो पहले हम कहेंगे भोजन की तैयारी, ठीक है। तो आर वाला ले लेंगे जब हम, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो है भोजन की तैयारी के वाला हम क्यू वाला ले लेते हैं, द फूड फॉर पोजिशन ऑक्योर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें पहला वाला क्वेश्चन ट्रिक लगा देंगे, क्यू पी आर
सॉरी क्यू पी एस आर वाला ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा इसमें और लगा के देखिएगा, बहुत अच्छा फंडा है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं चौथा वाला, कमांड द विंड्स। ठीक है, कमांड द विंड्स मतलब होती है हवा का झोंका या हवा की कमांड। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एंड द वेव्स ऑफ द सी। एंड द वेव्स ऑफ द सी मतलब क्या होता है, और समुद्र की लहरें, है ना। इसके बाद हैविंग दीज पावरफुल स्पिरिट ऑफ ओबीडेंट टू हिज विल, मतलब इन शक्तिशाली आत्माओं को उसकी इच्छाओं का आज्ञाकारी होना। ठीक है, इसके बाद प्रेस्पेरियो कुड बाई दियर द मीन्स, प्रेस्पेरियो कुड बाई दियर द मीन्स का मतलब होता है समृद्धि उनके माध्यम से हो जाती है। तो हम क्या, इसमें जो है सपोज मान के चलिए हमने आर वाला उठा ली, सबसे बड़ा है, और किसी भी एग्जाम में बस सबसे अच्छी ट्रिक यही है, जो सबसे तुम्हें बड़ा वाला दिखाई दे पहले नंबर पर उसको लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 95% क्वेश्चन सबसे बड़े वाले होते हैं, जैसे आर वाला है तो हम इसमें आर वाला कौन सा है, ये वाला आर वाला है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आर रख दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा, एस वाला, मतलब इसको मान के चलिए कि इन शक्तिशाली आत्माओं को उसकी इच्छाओं का आज्ञाकारी होना, किसकी, समृद्धि। इसके बाद देखेंगे ये समृद्धि उनके माध्यम से हो सकती है। अब किसके माध्यम, अब कौन सा बचे हमारे पास, दो बचे, दो में कौन सा, प्यू कमांड द विंड मतलब हवा की कमान से। ठीक है, और क्यू वाला कौन सा बड़ा, एंड द वेव्स ऑफ द सी मतलब इसमें और समुद्र की लहरों से। तो हमारा ये चीज़ है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।